Welcome back to BBVN online classes. In last video, we read about the single row method, string function, numeric function, date and time function. Last three videos के अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि string function क्या होता है, numeric और date and time function कैसे कैसे काम करते हैं, क्या ये task perform करते हैं. Today we are going to discuss about multi row method. आज अपन बात करेंगे multi row method के बारे में. This is also called aggregate function. इसे अपन क्या कहते हैं? Aggregate function भी कहते हैं. देखिए यहाँ पे multi row का मतलब यहाँ पे ये है कि अपन को output में ये only single value देगा, पर ये number of row के साथ काम करेगा. तो यहाँ पे कौन कौन से method है? Sum आता है कि number of जो cell के अंदर अपनी जो value होगी उसका sum करेंगे अपन. Maximum, minimum, count और average, ये five जो method है वो अपने क्या है? Aggregate या अपन कह सकते हैं multi row method. देखिए अपन इनके साथ काम करते हैं. सबसे पहले यहां पर अपन को दे रखा है मल्टी रो मेथड, या अपन इसे कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट मेथड भी कह सकते हैं. जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है काउंट. काउंट क्या करता है? काउंट द वैल्यू इन ए कॉलम, इग्नोर नल. ये क्या करता है? नल को इग्नोर करता है और नंबर ऑफ वैल्यूज आपके कॉलम के अंदर कितनी उसको काउंट करके अपन को आंसर में रिटर्न करता है. तो देखिए ये काम अपन किस पे करेंगे? ये काम अपन करेंगे अपने टेबल के ऊपर. जो टेबल के अंदर जो वैल्यू होगी उसके ऊपर काम करेंगे. तो थोड़ा सा सिंटेक्स अपना चेंज होगा. क्या चेंज होगा उसके बारे में अपन बात करते हैं. ये अपने सामने टेबल है. यहाँ पे अपन इस टेबल के ऊपर अपन अपने जो मेथड है उनको अप्लाई करेंगे. तो मैं सबसे पहले लिखूंगा सेलेक्ट, यहाँ पे काउंट. अब देखिए अगर मेरे को काउंट करना है तो मैं पर्टिकुलर कॉलम है उससे वैल्यू काउंट करूँगा. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ DSG. अब नॉर्मली अपन अभी तक लिख रहे थे तो वो इतना ही लिख रहे थे, पर अगर अपन को टेबल के ऊपर अप्लाई करना है तो अपन को थोड़ा सा चेंज करना है. फ्रॉम टेबल, टेबल का नेम क्या है अपना? EMP. तो मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट काउंट. काउंट किस में से करेगा? डेजिग्नेशन जो कॉलम है उसमें से काउंट करेगा, और फ्रॉम EMP टेबल से. तो जैसे ही देखो मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पर आंसर आता है 4, क्योंकि यहाँ पर एक तो आता है सेल्स मैनेजर, नेक्स्ट क्लर्क है, परचेज मैनेजर, अकाउंट, और फिफ्थ जो वैल्यू है वो क्या है? नल. नल मीन्स लैक ऑफ वैल्यू. तो ये नल को तो क्या करेगा? इग्नोर करेगा और देन नंबर ऑफ वैल्यू को काउंट करेगा. तो 4 टोटल नंबर ऑफ वैल्यू है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसका अपन अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? कॉन्टैक्ट के ऊपर. तो मैं यहां पे चेंज कर देता हूं और जैसे मैं इंटर करता हूं तो यहां पे आता है 5, क्योंकि आप देख पा रहे कॉन्टैक्ट के अंदर टोटल 5 वैल्यूज है. नेक्स्ट अपना आता है वो आता है सम, सॉरी एवरेज. रिटर्न द एवरेज ऑफ वैल्यू, जो भी आपने कॉलम ले रखा है उसकी एवरेज वैल्यू को ये शो करेगा. कैसे करेगा? तो वही सेलेक्ट एवरेज. तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, देन यहाँ पे AVG, और AVG किससे निकालना है? ये अपनी वैल्यू इसकी सैलरी का अपन एवरेज निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सैलरी और देन फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? EMP. तो मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम EMP. तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो एवरेज आ रहा है वो क्या आ रहा है? 53,800.7. ये जो अपन ने टोटल फाइव वैल्यू है इनको अपन ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो अपना ये अपना जो एवरेज के अंदर आ जाएगा. नेक्स्ट अपना आता है वो आता है मैक्सिमम फंक्शन. रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द कॉलम. ये क्या करता है? मैक्सिमम वैल्यू देता है अपन को किसी भी कॉलम से. तो देखिए कैसे अपन को देता है. तो मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट देन मैक्स कॉलम नेम. कॉलम नेम मैं यहाँ पे सैलरी कर रहा हूँ. सैलरी जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो अपन को मिल जाएगी. एंड मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम EMP. तो देखिए अगर मैं अपनी टेबल पे जाता हूँ तो इसकी मैक्सिमम सैलरी क्या है? 73,000. ये अपन को आंसर में मिलना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम EMP. जैसे अपन इंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? आंसर 73,000. ओके, तो ये कंप्लीट वैल्यू अपने पास आ रही है 0.55. ओके, नेक्स्ट ऐसे अपना आता है क्या है? मिनिमम. तो अगर मिनिमम को अगर अपन काम में लेते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिनिमम. अब मिनिमम सैलरी अपन देखें तो अपनी देखिए आप मिनिमम सैलरी इसमें कितनी है? 45,000 और 0.43. ये फर्स्ट वाली जो है वो मिनिमम सैलरी है. सेकंड मिनिमम कौन सी होगी? वो होगी 45,000.88. तो अपना आंसर क्या आएगा? 45,000.43. ये अपना आंसर में आना चाहिए. तो देखते हैं अपन मिनिमम सैलरी फ्रॉम EMP, जैसे इंटर करते हैं तो अपना आंसर आता है 45,000.43. ओके, तो ये अपना मिनिमम सैलरी अपन को रिटर्न कर रहा है. नेक्स्ट अपना आता है वो आता है सम. सम क्या करता है? रिटर्न द सम ऑफ
कॉलम वैल्यू, ये क्या करेगा अपने कॉलम के अंदर जितनी वैल्यू उनको सबको ऐड करके देगा, सम करके देगा। तो देखते हैं अपन, देखिए मैं एक बार अपनी टेबल है उसको वापस शो कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये अपनी टेबल है, ये नंबर ऑफ जो सैलरी है टोटल सैलरीज को काउंट करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट और देन यहाँ पे मैं करूँगा सम, और यहाँ पे मैंने कॉलम नेम दिया, तो कॉलम नेम अपना सैलरी है, कहाँ से है, फ्रॉम ईएमपी, ईएमपी टेबल से। तो जैसे आप इंटर करते हो तो इसका जो टोटल, ये फाइव वैल्यू है इनका टोटल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना सम, तो ये थे अपने क्या एग्रीगेट मेथड। एग्रीगेट मेथड कौन कौन से हैं, एक तो अपना आ गया काउंट, देन एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और सम। नेक्स्ट अपना आता है वो आता है अदर फंक्शन। देखिए यहाँ पर जो अदर फंक्शन है ये भी इसमें कुछ जो आपके न्यूमेरिक फंक्शन है, जिसमें फर्स्ट दर का सेल, नेक्स्ट है फ्लोर। तो देखते हैं अपन इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में अपन ने पहले बात की थी। ये क्या कहता है, रिटर्न द नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू, ये क्या करेगा नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू अपन को रिटर्न करेगा, कैसे करेगा। सपोज दैट अपने पास वैल्यू है 15.2, तो मैंने लिखा सेलेक्ट सेल 15.2, तो 15.2 के नेक्स्ट जो इंटीजर वैल्यू होगी वो क्या होगी 16, तो ये अपन को आउटपुट में मिलेगा। तो देखते हैं अपन कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट देन CIL सेल, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं लेता हूँ 15.2 या 15.5 जो भी होगा, उससे नेक्स्ट अपन को इंटीजर ये वैल्यू अपन को प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे आ रहा है 16। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 15.8 तो भी अपना आंसर क्या आएगा 16 ही आएगा। तो ये अपना सेल फंक्शन। नेक्स्ट अपना आता है फ्लोर। जैसे इसने नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू दी किसने, सेल ने, वैसे फ्लोर क्या करेगा, प्रीवियस इंटीजर वैल्यू अपन को प्रोवाइड करेगा। तो देखिए एग्जांपल में अपन लिखा 15.6, तो आंसर में क्या आ रहा है 15, तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्लोर। फ्लोर में अपन ने किया 15.8, तो आंसर में अपना क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है अपन को 15 आंसर में रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट अपना आता है वो आता है डिस्टिंक्ट। देखिए ये क्या कह रहा है, रिटर्न द डिस्टिंक्ट वैल्यू फ्रॉम कॉलम। ये क्या करेगा, कॉलम से अपन को डिस्टिंक्ट वैल्यू अपन को शो करेगा, कैसे करेगा। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, जो अपना डिस्टिंक्ट नेम है वो ही शो करे, जो सेम नेम है वो शो ना करे। तो यहाँ पे देखिए अपन कैसे इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको टेबल शो करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अपना आंसर जो अपना आउटपुट है ये कुछ ऐसा आ रहा है। मैं इसमें एक और वैल्यू है, सॉरी जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट कर रहा हूँ, और उस रिकॉर्ड में अपन कुछ एक कॉलम के अंदर वैल्यू क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो देखिए अगर मेरे को इंसर्ट करना है तो मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू और देन टेबल नेम ईएमपी, और सीधा मैं यहाँ पे वैल्यूज करता हूँ। वैल्यूज सबसे पहले मेरे को देना आईडी, तो मैंने यहाँ पे लिखा 106, नेक्स्ट आईडी अपनी 106 है। नेम अपना मैं अगेन मैं यहाँ पे कर देता हूँ राम, तो देखिए वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। देन डेजिग्नेशन अपन यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे मैं डेजिग्नेशन कर देता हूँ सेल्स, ये भी अपनी वैल्यू रिपीट हो जाएगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट अपन करते हैं डीओबी। डीओबी अपन को सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में लिखना है, तो मैंने यहाँ पे किया 1995 और यहाँ पे मैंने कर दिया 07 जी, और नेक्स्ट अपना 07, ओके। और नेक्स्ट अपन कर देते हैं सैलरी, तो सैलरी में यहाँ पे करता हूँ 78,000.11, ओके। ये अपन ने वैल्यू इंसर्ट की है, जैसे अपन इंटर करते हैं क्वेरी ओके हो जाता है। अब अपन अपनी वैल्यू को आउटपुट में देखते हैं सारी को, मीन्स अपन अपनी टेबल को डिस्प्ले करते हैं डेटा, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। आप देख पा रहे हैं कि देखिए अब अपने पास जो वैल्यू आ रही है उसमें राम है वो 2 टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेम वैल्यू होगी। अब डिस्टिंक्ट क्या करता है, ओनली जो डिस्टिंक्ट वैल्यू उसको शो करेगा, सेम वैल्यू को दो बार ये शो नहीं करेगा। तो मैंने अपन लिखा सेलेक्ट, देन सेलेक्ट अपन को क्या करना है, अपन को नेम शो करते हैं अपन, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्टिंक्ट और यहाँ पर मैं करता हूँ ई नेम, किससे करना है, फ्रॉम ईएमपी टेबल से। तो देखिए राम दो बार आ रहा है, जनरली अगर मैं सीधा यहाँ पे लिखता ई नेम फ्रॉम ईएमपी तो ये टोटल राम है दो बार अपन को शो करता, पर अभी ये कितनी बार शो कर रहा है, ओनली 1 टाइम शो कर रहा है, क्योंकि डिस्टिंक्ट क्या करता है, ओनली 1 टाइम आपको रिपीट वैल्यू को शो करता है। देखिए अगर मैं इसको अगर चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे ओनली ई नेम किया, ओके, और अगर मैं ई नेम ओनली शो करता हूँ तो ये राम अपन को दो बार शो करेगा।
पर अगर अपन ने इसको डिस्टिंक्ट के साथ काम में लिया है तो ये वन टाइम शो कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट और यहाँ पे मैंने कहा काउंट और मैंने यहाँ पे लिखा ई नेम और देन मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम ई एम। तो देखिए आंसर कितना आ रहा है, सिक्स आ रहा है। क्यों आ रहा है सिक्स? क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज आपके जो ई नेम के अंदर कितनी है, सिक्स वैल्यू है। पर अगर मैं इसको डिस्टिंक्टली काउंट करता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे अगर लिखा डिस्टिंक्ट और देन मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पर आगे क्लोज कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को सिंटैक्स चेंज करना होगा।